लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद कर दी है। ऐवान सदर से जारी अलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर ही रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में लोड शेडिंग का दौरान 18 घंटे तक जा पहुंचा है। दरिया सिंध में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिससे पानी की कमी 60% हो गई है। दरिया सिंध के डाउन स्ट्रीम पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है और शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुँचा है। कोटी डाउन स्ट्रीम में रेत उड़ रही है। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के मुतवाजी इख्तियारात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ECP के इख्तियारात चैलेंज कर दिए गए हैं। केस की समाअत आज शुरू होगी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने जिस तरह इदारों को महफूज रखने की कोशिश की, इसकी कोई मिसाल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रवा माह के आखिर तक ऑरेंज लाइन मंसूबे पर बसें चलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुर्तुजा वहाब चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। श्रीलंका में मालियाती बहरान पर काबू पाने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और झड़पों में अब तक 5 अफराद हलाक और 190 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम आज पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में अदम शिरकत की वजह से खिताब नहीं करेंगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक मलिका बरतानिया 59 बरस में पहली बार पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब नहीं करेंगी। इनकी जगह वली अहद शहजादा चार्ल्स खिताब करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी वाकई हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $7 कमी से $105.94 फी बैरियल हो गई है, जबकि WTI की कीमत 6.1% कमी के बाद $103 फी बैरियल हो गई है। लाहौर के मारूफ निजी अस्पताल से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिस पर महकमा सेहत ने थाने में FIR दर्ज करवा दी है। लाहौर के एक निजी अस्पताल में डेंगू लार्वा बरामद होने पर महकमा सेहत हरकत में आ गई है। अदाकारा नीलम मुरीन ने शादी की खबरों की तरदीद कर दी है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए नीलम मुरीन ने शादी की खबरों पर रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि ना ही मेरी मंगनी हुई है और ना ही मेरी शादी हो रही है। अमेरिका में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली 20 कंपनियां कम आमदन शहरियों को रियायती कीमत पर सर्विस फराहम करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया और मुल्क में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली 20 बड़ी कंपनियों के दरमियान सस्ता और तेज तरीन इंटरनेट फराहम करने का मुआहदा तय पा गया है। वेस्ट इंडीज़ ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम आइंदा माह पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। निकल्स पोरन वेस्ट इंडीज़ टीम की क्यादत करेंगे, जबकि जैसन होल्डर को आराम दिया गया है। भारत में खातून को पराठे के पार्सल में सांप की खाल का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत केरला के जिले तरवाबतपुरम में एक खातून इस वक्त दंग रह गई, जब इसे मुबैना तौर पर इसके फूड डिलीवरी के पार्सल से सांप की खाल बरामद हुई। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We
we have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. Ibn Sina mein primary care doctors ke alawa bahut sare specialists bhi available hai, jaise ki cardiology, dermatology, psychiatry, podiatry, neurology, nephrology aur deegar specialists maujood hai jo aapki sehat ki take care kar sakte hain. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy, if medicine taken properly, can give a good life. Ibn Sina ki services, jo medical services se shuru hui thi, wo expand hui medical, dental, diagnostic, specialty care and mental health services. Humne especially mental health services since last 1 year se expand ki hai. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद कर दी है। ऐवान सदर से जारी अलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर ही रहेगा। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर रहेगा। सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पर बद इंतजामी का कोई इल्जाम है, न किसी अदालत से सजा हुई है। गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया, इसलिए इन्हें हटाया नहीं जा सकता। सदर का फर्ज है कि आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करे। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली में पेश आने वाले ना कुछ गवार वाकयात पर रिपोर्ट अरसाल की थी। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब के इस्तीफे और वफादारियों की तब्दीलियों पर रिपोर्ट अरसाल की थी। मुझे यकीन है कि गवर्नर को हटाना गैर मुनसिफाना और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ होगा। आर्टिकल 63A मेंबरान असेंबली को खरीदने जैसी सरगर्मियों की हौसला शिकनी करता है। सदर पाकिस्तान का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में दस्तूर पाकिस्तान के उसूलों पर कायम रहने के लिए पुरअज़म हूँ। गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस को मुस्तरद करता हूँ। जरूरी है कि मौजूदा गवर्नर साफ जमहूरी निज़ाम की हौसला अफजाई के लिए ओहदे पर कायम रहे। ख्याल रहे कि गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दूसरी असम्बली यकुम मई को अवान सदर भेजी थी। कुछ देर कबल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने एक बयान में कहा था कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है, इसे हटाना आइन शिकनी होगी। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चले, खिलाफ वर्जी से बाज रहे। वजीर दाखिला ने कहा था कि पार्लियामानी जमहूरियत में सदर का मनसब अलामती होता है, इनके पास वेटो का इख्तियार नहीं। ऐवान सदर पीछे आए सेक्रेटरेट नहीं, इमरान खान के गुलाम न बने, आइन पर चले। उमर चीमा जाते जाते कोई नया गन खोलने से बाज रहे, शराफत से घर चले जाएं। आइन से हटने वालों को आइन, अदालत और आवाम की सजा के लिए तैयार रहना होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में लोड शेडिंग का दौरान 18 घंटे तक जा पहुंचा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में लोड शेडिंग का दौरान 18 घंटे तक जा पहुंचा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों का कहना है कि लाइन लॉसेस को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। दरिया सिंध में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिससे पानी की कमी 60% हो गई है। दरिया सिंध के डाउन स्ट्रीम पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है और शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा है। कोटी डाउन स्ट्रीम में रेत उड़ रही है। दरिया सिंध की डाउन स्ट्रीम पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है और शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा है। कोटी डाउन स्ट्रीम में रेत उड़ रही है। 1991 के पानी के मुआहदे के तहत माह मई में कोटी बैराज में 15,000 क्यूसिक होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त 200 क्यूसिक पानी भी बमुश्किल छोड़ा जा रहा है। पानी काश्कारी नापैद है, सिर्फ कोटी बैराज से निकलने वाली नहरों से सिर्फ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों खुसूसन कपास को नुकसान हो रहा है। कपास की फसल 35 से 40% कम होने का खदशा है। सांगर में 50 से 60 जबकि पिछली शाकोटेल में 80% तक पानी की कमी है। सांगर में 3 में से 1 लाख एकड़ पर कपास काश नहीं हो सकी है। काश्तकारों का कहना है कि फसलों को नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर फसलों को तबाह होने से बचाया जाए। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के मुतवाजी इख्तियार हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ECP के इख्तियार चैलेंज कर दिए गए हैं। केस की समाअत आज शुरू होगी।
समाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला कर रहे हैं। वकील दानियाल खोकर की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत में पेश होकर कहा कि इलेक्शन कमीशन को अदालतों जैसे इख्तियार देने इलेक्शन एक्ट की 3 दफा कलदम करार दी जाए। बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि तौहीन पर इलेक्शन कमीशन का सजा देने और डायरेक्शन जारी करने का इख्तियार और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 4, 9 और 10 कलदम करार दिए जाए। इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करने का इख्तियार भी खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5 आईनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कोई और रियासती अदारा आईनी अदालतों की बराबरी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन से तनख्वाहों और मराद की तफसील भी तलब की जाए। अगर इलेक्शन कमीशन की तनख्वाहें आईनी अदालतों के बराबर हो तो इसे गैर कानूनी करार दिया जाए। बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि इस दरख्वास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन को अदालती इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत करते हुए कहा कि अगर इन चेकों को खत्म किया जाता है तो इससे इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतासर हो सकता है। चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला ने कहा कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत अदालत की मामूनत करें। अदालत ने तमाम फरकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने 2 हफ्तों तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने जिस तरह इदारों को महफूज रखने की कोशिश की इसकी कोई मिसाल नहीं। उनका मजीद कहना था कि झूठे पर्चे करने की रिवायत को जिंदा ना किया जाए, लीडर्स को गिरफ्तार करने से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। इसके अलावा रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा कि महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है, मौजूदा हुकूमत मईशत ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगी। उन्होंने दावा किया कि इनकी हुकूमत ने महंगाई को काबू करने के लिए रूस से सस्ती एलएनजी और तेल खरीदने का फैसला किया था, जबकि रूस से सस्ते तेल का कार्गो अप्रैल में आना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रवा माह के आखिर तक ऑरेंज लाइन मंसूबे पर बसें चलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। शर्जील मेमन ने दौरान इजलास बताया कि BRT ऑरेंज लाइन पर ब्रीफिंग ली है। ऑरेंज लाइन के कुछ सिविल वर्क रहते हैं। 20 बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि BRT ऑरेंज लाइन 3.8 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसमें 5 बस स्टेशन हैं। कॉरिडोर पर 8 गेट हैं, जो कुछ दिनों में लग जाएंगे। ऑरेंज लाइन का कॉरिडोर औरंगी से नॉर्थ नाजाबाद तक का है। इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मास ट्रांसिट अथॉरिटी को हिदायत की है कि मई के आखिरी हफ्ते तक ऑरेंज लाइन मुकम्मल होनी चाहिए और इस महीने के खिताम पर इस पर बसें चलनी चाहिए। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। श्रीलंका में मालियाती बहरान पर काबू पाने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और झड़पों में अब तक 5 अफराद हलाक और 190 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक राजा पॉक्से के वजारत उज़्मा से इस्तीफे ने इनके हामियों को भी मुश्तैल कर दिया है, जिस पर उन्होंने सदारती दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर हमला कर दिया, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। मुख्तलिफ झड़पों में 5 अफराद हलाक और 190 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कर्फ्यू के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे। हलाक अफराद में हुक्मरान जमात के रुकन पार्लियामेंट भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक कोलंबो से बाहर होने वाली झड़पों में हुक्मरान जमात के रुकन पार्लियामेंट इमारा खेड़ती ने अपनी कार के सामने आने वाले 2 अफराद पर फायरिंग की, जिसमें से 1 शख्स दम तोड़ गया। मुजाहिरीन से बचने के लिए रुकन पार्लियामेंट ने खुद को गोली मार ली। मुश्तैल मुजाहिरीन ने कोरोनिरेगा शहर में राजा पॉक्से का आबाई घर नजरआतिश कर दिया, जबकि कोलंबो के करीब भी मुश्तैल अफराद ने साबिक वजीर और हुकूमती जमात के 2 अरकान पार्लियामेंट के घर जला दिए। ख्याल रहे कि मुजाहिरीन मुस्ताफी वजीर आजम राजा पॉक्से के भाई और श्रीलंका के सदर गोतापा यारा जो पॉक्से से इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं और इनके दफ्तर के बाहर 1 माह से धरना दिए बैठे हैं। वाज़ह है कि श्रीलंका में मालियाती बहरान बदतरीन हो गया है। हुकूमत के पास तेल की दरामदाद के लिए गैर मुल्की करेंसी का बहरान है और तेल की किल्लत के बाइस मुल्क को बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। शहरी पेट्रोल और ईंधन के लिए घंटों कतार में लगने पर मजबूर है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। मलका बरतानिया अजब दोम आज पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में अदम शिरकत की वजह से खिताब नहीं करेंगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक मलका बरतानिया 59 बरस में पहली बार पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब नहीं करेंगी। इनकी जगह वली अहद शहजादा चार्ल्स खिताब करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 96 बरस की मलका बरतानिया को चलने में दुश्वारी का सामना है, इसलिए वो तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगी। अलबत्ता मलका बरतानिया TV पर ही तकरीब देखेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के इफ्तिताही सेशन में मलका बरतानिया के एजवाज में तख्त खाली रहेगा, जबकि वली अहद शहजादा चार्ल्स के साथ उनके बेटे शहजादा विलियम भी पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। वाज़ह है कि मलका बरतानिया ने 1959 और 1963 में भी शहजादा एंड्रयू और शहजादा एडवर्ड की पैदाइश के वक्त पार्लियामेंट से खिताब नहीं किया था।
नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी वाकई हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $7 कमी से $105.94 फी बैरल हो गई है, जबकि WTI की कीमत 6.1% कमी के बाद $103 फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $7 कमी से $105.94 फी बैरल हो गई है, जबकि WTI की कीमत 6.1% कमी के बाद $103 फी बैरल हो गई है। इसके अलावा आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत में 12% कमी हो गई है, जिसके बाद दौरान ट्रेडिंग गैस की कीमत $7 फी MMBTU की सतह पर मौजूद है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। लाहौर के मारूफ निजी अस्पताल से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिस पर महकमा सेहत ने थाने में FIR दर्ज करवा दी है। लाहौर के एक निजी अस्पताल में डेंगू लार्वा बरामद होने पर महकमा सेहत हरकत में आ गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि डेंगू सर्वेलेंस के दौरान लाहौर के एक मारूफ निजी अस्पताल की पार्किंग से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिस पर DDHO ने अल्लामा इकबाल टाउन थाना जौहर टाउन में FIR दर्ज करवा दी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक अस्पताल में जमा कचरे और पानी से कसीर तादाद में डेंगू लार्वा मिला है, जिस पर डेंगू रेगुलेशन के तहत FIR दर्ज करवा ली गई है। वाज़ेह है कि डेंगू के हवाले से महकमा सेहत ने चंद हफ्ते कबल ही खतरे की घंटी बजा दी थी। लाहौर में डेंगू मच्छरों की भरमार के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने रिपोर्ट में कहा था कि रवा हफ्ते के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते से 60% ज्यादा डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब भर में कोरोना और डेंगू के रिकॉर्डेड केसेस रिपोर्ट हुए थे, और रिपोर्ट होने के बाद इस वक्त महकमा सेहत पंजाब ने अंतक कोशिश की और आर्मी वबा कोरोना के खिलाफ जंग के साथ साथ डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम किए थे। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा नीलम मुरीन ने शादी की खबरों की तर्दीद कर दी है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए नीलम मुरीन ने शादी की खबरों पर रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि ना ही मेरी मंगनी हुई है और ना ही मेरी शादी हो रही है। अदाकारा ने मजीद लिखा कि इस हवाले से तमाम खबरें 100% गलत हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल अदाकारा ने जंग अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अपनी शादी से मुतालिक भी गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि मेरी शादी की खबर अचानक ही सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं शादी सादगी से करूंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली 20 कंपनियां कम आमदन शहरियों को रियायती कीमत पर सर्विस फराहम करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया और मुल्क में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली 20 बड़ी कंपनियों के दरमियान सस्ता और तेज तरीन इंटरनेट फराहम करने का मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत कंपनियां देही और कम आमदन वाले इलाकों में शहरियों को तेज तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम करेंगी या कीमतों में कमी की जाएगी। मुआहदे के तहत कम आमदन घरानों को $30 फी की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 48 मिलियन अमरीकी घराने मुस्तफीद हो सकेंगे। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडेन की अमरीकी शहरियों को तेज रफ्तार इंटरनेट तक रसाई फराहम करना अव्वलीन तरजीह रही है, और वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस पुरतश चीज नहीं बल्कि एक जरूरत है। उनका मजीद कहना है कि मुस्तबित और गरीब घरानों को तेज रफ्तार इंटरनेट तक रसाई में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोरोना वबा के दौरान इनके बच्चों को फसलाती तालीम और अपने असाइनमेंट को मुकम्मल करने में भी दुश्वारी दरपेश रही। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। वेस्ट इंडीज ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम आइंदा माह पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। निकल स्पोरन वेस्ट इंडीज टीम की क्यादत करेंगे, जबकि जैसन होल्डर को आराम दिया गया है। वेस्ट इंडीज स्क्वाड में शाई होप, एंट्रियोमा बूमर, शामरा ब्रोकर्स, कैसी कार्टी, अकील हुसैन और राजी जोसफ शामिल है। ख्याल रहे की पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। मैचेस 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में होंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में खातून को पराठे के पार्सल में सांप की खाल का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत केरला के जिले तरवाबतपुरम में एक खातून इस वक्त दंग रह गई, जब इसे मुबैना तौर पर इसके फूड डिलीवरी के पार्सल से सांप की खाल बरामद हुई। ये वाकया 5 मई को पेश आया, जब प्रिया नामी कस्टमर ने शालीमार होटल से पराठा मंगवाया। जब इसने खाने का पार्सल खोला तो इसे इस पैकेज के अंदर सांप की खाल का आधा निकला लंबा टुकड़ा मिला, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। सांप की खाल देखकर अहले खाना ने फौरी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी हुकाम और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर नील कुमार ने कहा कि रेस्टोरेंट को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। होटल मालिकान को मुकम्मल सफाई के बाद ही खोलने की हिदायत दी गई है। पराठे के साथ सांप की खाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.